सतीश सर, आज हम बताने जा रहे हैं आसन कोण या एडजेसेंट एंगल और रेखिक युग्म कोण यानी लिनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम विस्तार से और डिटेल से और चित्र के द्वारा या ज्यामिति के द्वारा हम बताने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप नहीं करें। ठीक, हम बताने जा रहे हैं आसन कोण। जैसे देखो, एक रेखा ये हुआ, एक रेखा मान लो ए बी, क्या माने इसको ए बी, और दूसरी रेखा मान लो बी सी, यहाँ एक एंगल बना, क्या बना एंगल, इसी के बीच में कुंभनिष्ठ रेखा खींच दो, इस दोनों को दो भाग में बांट दिए, इसको एन दे दो, क्या दे दो एन, तो अर्थात इस एंगल को क्या भाग में बांट दिया गया, यानी कोण ए बी सी को दो भाग में बांट दिया गया, कौन 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 बांट गया, कोण ए बी, कोण ए बी एन जोड़ कोण एन बी सी, यानी कि पूरे कोण ए बी सी जो है दो भाग बट गया, ए बी एन यानी कि ई कोण और एन बी सी दूसरा कोण, यानी कि ये पूरे कोण के बराबर ये दोनों कोण मिल गया। ठीक, यही आसन कोण कहलाते हैं। इस कोण का आसन ये कहलाते हैं, या तो इस कोण का आसन कोण ये कहलाते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि यदि दो रेखा में कौन कौन आएगा, बी ए या ए बी, ए बी और बी सी मिलकर क्या बना रहा, एक कोण बनाता है, एक कोण बनाता है, एक कोण बनाता है, तो ए बी सी एक रेखा ये एक रेखा ये मिलके कौन बनाया ए बी सी, और तीसरी रेखा है, तीसरी उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ बोलो, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ रेखा है जिसको कॉमन लाइन बोला जाता है, कॉमन लाइन कौन बी एन, बी एन दो भागों में बांट देता, दो बी एन जो है दो भाग में, भागों में कोण को बांट देते हैं, कोण को क्या करते हैं बांट देते हैं, यह आसन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आसन कोण कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि एक बड़े एंगल को कोई उभयनिष्ठ रेखा, बी एन उभयनिष्ठ रेखा है, इसको उभयनिष्ठ बोल सकता है, क्या बोल सकता है उभयनिष्ठ, क्योंकि इस कोण में भी इस रेखा का मान आ रहा है, इस कोण में भी इस रेखा का मान आ रहा है। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ रेखा, दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका आसन ये हुआ, इसका आसन ये हुआ, जैसे दो भाई मिल के बंटवारा करता है, दो भाई मिल के क्या करता है बंटवारा करता अपनी संपत्ति का, दो भाई है, ये भाई यानी कि कोई बड़ा है कोई छोटा, मान चलो ये बड़ा है ये छोटा है, जब संपत्ति का बंटवारा कर रहा, किसका बंटवारा कर रहा, संपत्ति का बंटवारा कर रहा, तो क्या करेगा बराबर भाग में संपत्ति बांटेगा, संपत्ति बराबर आएगा, क्या आएगा बराबर संपत्ति, जब बराबर संपत्ति आया तो ये भी ले सकता है और ये भाई ये भी ले सकता है, यानी बड़ा भाई ये भी ले सकता है और बड़ा भाई ये भी ले सकता है, छोटा भाई ये ले सकता है छोटा भाई ये, यानी कि इसका आसन ये होगा इसका आसन ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कोई मतलब एक कोण दूसरे का आसन दूसरा पहले का आसन, यही एक कोण पहले का आसन दूसरा, एक कोण पहले का आसन दूसरा पहले का आसन, इस टाइप से होता है। ठीक, उसी प्रकार से अब रेखिक युग्म कोण, जैसे कि एक रेखा है ए बी, ठीक, फिर इसी रेखा को बढ़ा दिए सी तक, ये रेखिक रेखा हुआ। ठीक, कोई रेखा आके उदग्र रूप से खड़ा हो गया, या उदग्र रूप से क्या हो गया खड़ा हो गया, ठीक, इसका नाम दे दो एन बी एन, तो ये दो भाग में बांट दिया गया, ये रेखा को 180 कोण को दो भाग में बांट दिया गया, तो ये कोण इसका आसन बना रहा है। ठीक, तो अर्थात कोण ए बी सी का आसन, ए बी सी कोण ए बी सी का आसन जो बना रहा है, ए बी सी को दो भाग में बांट रहा कौन बी एन रेखा, ए बी सी को बी एन उभयनिष्ठ रेखा
दो भागों में बांट रही है। ठीक, तो इस परिस्थिति में ये दोनों एक दूसरे का आसन हुआ, ये इसका आसन, ये इसका आसन। तो कहने का मतलब कि इसका परिभाषा इस टाइप से लिख सकता है कि ए बी और बी सी रेखा, बी सी कौन रेखा, बी सी सरल रेखा, सरल रेखा पर बी एन उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा उदग रूप से खड़े होकर, खड़ी होकर कोण को दो भाग में बांट देता, कोण को दो भागों में बांट देता, बांट देता है। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से कि इसको रैखिक युग्म कौन कहते हैं, इसको रैखिक युग्म कौन कहते हैं। तो अर्थात ये रैखिक हुआ, ये सीधा रेखा रैखिक हुआ, ये 180 का एक उदग्र रूप से कोई आकर खड़ा हो गया। ठीक, खड़ा हो गया तो कहने का मतलब ये बराबर नहीं होगा, ये इसका आसन ये हुआ, इसका आसन ये हुआ। ठीक, ये कोण बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या हो सकता है कि कोई ये भी बड़ा हो सकता है, या ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा एंगल हुआ, ये छोटा हुआ। ठीक, इसमें भी भाई का ही रूल देखो, ये भाई है, ये भाई है, दोनों में बहुत प्रेम है, दोनों में क्या है, बहुत प्रेम है। भाई भाई में क्या होता है, प्रेम होता है। तुम लोगों के भाई में भी प्रेम होंगे, आपस में बहुत सारा प्रेम होंगे। तो जब वो दोनों भाई बंटवारा होता है तो दिल से बंटवारा नहीं हो रहा, बंटने का मन नहीं कर रहा, तो बड़ा भाई छोटा भाई कह रहा कि संपत्ति दूसरे घर का यदि बीवी आते हैं तो बांटने के लिए मार कर देते हैं। ठीक, दूसरे घर का अगर बीवी आएगी तो क्या करेंगे, बांटो संपत्ति, बांटो। तो बड़ा भाई बांटने का मन नहीं करता, तो बोल देता भाई कि भाई रे तुम वो संपत्ति ले लो, हम ये लेते ले लेते हैं, चाहे बड़ा कोई ले, बड़ा या छोटा क्यों ना हो, बड़ा या छोटा क्यों ना हो, प्रेम की भावना से बांट लेते हैं। तो इस टाइप से इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक युग्म कोण। ठीक, क्योंकि ये इसमें कोण बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, बल्कि दो भाग में बट जाता है।